स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे वेब पेज में पिक्चर्स कैसे सेव करी जाएं उसके बारे में और कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। सेविंग एन इमेज फ्रॉम अ वेब पेज, जैसा कि आपको पता ही है कि वेब पेज हम लोग इंटरनेट पेज के तौर पर भी जानते हैं, और वहाँ पर जो हमको पिक्चर्स दिखाई पड़ती हैं इंटरनेट पेजेस पर, वो कैसे प्लेस करी जाती हैं एप्लीकेशन के अंदर HTML की मदद से, वो हम लोग देखने वाले हैं। समटाइम्स देयर आर ब्यूटीफुल एंड यूजफुल पिक्चर्स और ग्राफिक्स ऑन द वेब पेज। कभी कभी हम देखते हैं जो पिक्चर्स हैं वेब पेज पर बहुत सुंदर अच्छी हैं, विच यू वॉन्ट टू सेव इन योर कंप्यूटर एज सेपरेट फाइल, और उनको आप चाहते हो कि वो वाली पिक्चर्स आपके कंप्यूटर पर भी आ जाए। दिस कैन बी डन एज फॉलोज। तो उसको करने के लिए हमें ये पॉइंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या है वो पॉइंट्स? फर्स्ट, ब्रिंग द कर्सर ओवर देयर इमेज और ग्राफिक्स। सबसे पहले उस इमेज या ग्राफिक्स पर अपने कर्सर को ले जाते हैं, राइट क्लिक द इमेज, और फिर उसके बाद माउस के बटन से राइट क्लिक करते हैं। बाय दिस अ पॉपअप मेन्यू विल अपीयर नियर बाय अ थ्रोन इन एडजेसेंट फिगर, और वहाँ पर एक इस तरीके से पॉपअप मेन्यू आती है और उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे सेव पिक्चर एज कमांड में। यहाँ पर पॉपअप मेन्यू में ऑप्शंस आता है बाय दिस सेव पिक्चर्स डायलॉग बॉक्स पे अपीयर, और वहाँ पर जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो सेव पिक्चर्स, कहाँ पे पिक्चर्स को सेव किया जाए है, वो वाला डायलॉग बॉक्स आता है। बस डाउनलोड पिक्चर्स में आता है, या फिर आप उसकी पोजिशन को चेंज करना चाहें तो वहाँ पर चला जाएगा। Specify the folders and a name for the image. आप उस फोल्डर में जहाँ पर आप पिक्चर्स को सेव करना चाहते हैं उसे आप लोकेट करिए, और पिक्चर का क्या नाम देना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। क्लिक सेव बटन, उसके इतना करने के बाद पिक्चर का नाम जो आप चाहते हैं वैसा दे, और जिस फोल्डर में आप चाहते हैं वहाँ पर सेव हो। उसके बाद आप सेव बटन को क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन सेव बटन। बाय दिस द इमेज विल सेव्ड इन अ स्पेसिफाइड फोल्डर एंड स्पेसिफाइड नेम। जो आप नाम दे रहे हैं और जो फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर ये पिक्चर सेव हो जाती है। ओपनिंग अ लिंक इन अ सेपरेट विंडो। हम जब इंटरनेट पर वर्क कर रहे होते हैं तो कभी कभी एक से ज़्यादा वर्क हम करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें दो विंडो या दो से ज़्यादा विंडो खोलनी पड़ती हैं जहाँ पे हम अलग अलग वर्क कर रहे होते हैं। उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप विंडो सेपरेट विंडो में वो कमांड खोलें, ओपनिंग अ लिंक इन अ सेपरेट विंडो। समटाइम्स देर आर मैनी लिंक्स इन वेब पेज फॉर ओपनिंग अदर वेब पेज। कभी कभी हमारे वेब पेज में बहुत सारे और पेजेस के लिंक होते हैं जिनकी मदद से हम दूसरे वेब पेजेस को भी खोल सकते हैं। If you click those link, these web page will generally open in the same window. ज़्यादातर ये उसी जगह पर खुलते हैं जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं। तो सेम विंडो में खुलने पर क्या होता है कि हमारा जो पहले से वर्क हम चाहते हैं कि दो से या तीन वर्क एक साथ हम करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। सेम विंडो पर वो पहले वाली विंडो को क्लोज करके उसके ऊपर नई वाली विंडो जो आप चाहते हैं उसे खोल देता है। If you want to open it in a separate window, then instead of clicking the first, right click and then give the open link in a new window. इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको right click करना पड़ता है माउस को, और उसके बाद open link in a new window options choose करना पड़ता है। इस options को choose करते ही आपकी एक से ज़्यादा window खुल जाती हैं, और जो आप link खोलना चाह रहे हैं इस वक्त वो एक नई window में खुलता है। कमांड इन पॉपअप मेन्यू अपीयर्ड, जो कि पॉपअप मेन्यू में कमांड आपको दिखाई पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे सर्च इंजन की। पहले भी हम बोल चुके हैं कि एक वेबसाइट को खोलने के लिए हमें ब्राउजर की ज़रूरत पड़ती है, और ब्राउजर अक्सर सर्च इंजन की तरह से बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पर तीन ब्राउजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, गूगल, याहू और रेडिट। ये ब्राउज़र होने के साथ साथ सर्च इंजन का भी काम करते हैं, और सर्च इंजन की खासियत क्या होती है कि जब आप जैसे गूगल में यहाँ पर जो सर्चिंग के लिए ऑप्शंस आता है, बॉक्स आता है,
वहाँ पर जब आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो नीचे एक लिस्ट आ जाती है उससे रिलेटेड। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो वर्ड आप टाइप कर रहे होते हैं उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलने लगती है। ऐसे ही याहू में होता है, ऐसे ही रेडिट में होता है। जब आप टाइप करते हैं तो एक लिस्ट डाउन पॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे खुल जाती है और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब होता है एक ऐसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना जिसमें आप जो चाहते हैं सर्च करना वो आप सर्च कर सकें एक लिस्ट से। तो आपके पास एक लिस्ट होती है सजेशंस की और वहाँ से आप जब यूज़ करते हैं तो इस तरह के ब्राउज़र को हम सर्च इंजन के तौर पे जानते हैं। वॉट वुड यू डू इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट अ प्लेस हुज एग्जैक्ट एड्रेस यू डोंट नो। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और किसी जगह को विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं और आपका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता है तो क्या करेंगे आप? यू वुड प्रॉबली लुक फॉर इट्स लोकेशन ऑन मैप। उसके लिए आप मैप देखेंगे या किसी से पूछेंगे। सिमिलरली ऑन इंटरनेट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ साइट हुज एड्रेस यू डोंट नो यू कैन सर्च फॉर इट यूजिंग अ सर्च इंजन। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको वेब ब्राउजर में पड़ती है तो आप सर्च इंजन की मदद लेते हैं। सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सर्चेज द वर्ल्ड वाइड वेब फॉर वेब पेजेस एंड कंटेन्स द कीवर्ड और फ्रेजेस दैट यू हैव स्पेसिफाइड इन सर्च। सर्च इंजन क्या करता है, जो वर्ड आपने टाइप किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढता है नेट में वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से और आपको उससे रिलेटेड जो लिस्ट होती है वो डिस्प्ले कराता है। देन लिस्ट ऑल द वेब पेजेस इट हैव फाउंड कंटेनिंग द मैचिंग वर्ब। और वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड वर्ड से रिलेटेड जितनी भी मैचिंग साइट्स होती हैं उनको दिखाना स्टार्ट करता है। कभी कभी एक पेज में, कभी कभी कई सारे पेज, नेक्स्ट 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 करते हुए आप उस लिस्ट को देखते जाते हैं। उन्हीं में से तीन सर्च इंजन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं जो ये फैसिलिटी आपको देते हैं, जिनमें गूगल आता है, याहू है, रेडिफ है और बहुत सारे इंजन ऐसे हैं। यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट यूज़ करने के लिए नॉर्मली हम बता ही चुके हैं कि आपको ब्राउज़र होना ज़रूरी है, ब्राउज़र एप्लीकेशन होना ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, डोमेन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। वी यूजली सी द कैप्शंस लाइक विजिट अस ऑन www.intel.com। तो अगर हम चाहते हैं intel.com को सर्च करना, सच टाइप ऑफ द टेक्स्ट विच स्टार्ट फ्रॉम www एंड एंड विथ .com, .in, .org एट्सेट्रा। इस तरह की अगर हम एड्रेस की बात करें तो ये वेब एड्रेस कहलाते हैं और इनको हम URL भी कहते हैं। वेब एड्रेस में हम या तो IP एड्रेस टाइप करते हैं, जैसे मैंने आपका कहा था नंबर्स की फॉर्म में, जैसे 120.1.2.5, ये एक फोर पार्ट्स में लिखा हुआ जो कि सेपरेट करता है डॉट से एड्रेस है, इसे हम IP एड्रेस के नाम से जानते हैं। और इसी को अगर हम इजी फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि इसको आसान नहीं है याद करना हर नंबर्स को, तो उसको हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसी को हम डोमेन के साथ में .com, .in, .org, इसे हम URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं। इफ वी एंटर द एड्रेस लाइक www.intel.com इन द एड्रेस बार, विल सी दैट द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ इंटेल। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। देयर वी विल सी सम कलर्ड एंड अंडरलाइन टेक्स्ट। यहाँ पर कुछ आपको कलर्ड और अंडरलाइन यहाँ पर अलग कलर से, जैसे यहाँ ब्लैक से सारा मैटर लिखा हुआ है और यहाँ पे ये हाईलाइटेड है बोल्ड ब्लैक से, ये हाईलाइटेड है बोल्ड ब्लैक से। हो सकता है ये ब्लू हो जाए, हो सकता है ये रेड हो जाए। तो ये कलर्ड और अंडरलाइन करके जो पॉइंट्स दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं लिंक। ये लिंक बताता है कि ये लिंक है, इस पर क्लिक करने पर आप एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करोगे, जोड़ोगे। ऑन क्लिकिंग अ लिंक वी मूव टू अनदर वेब पेज ऑफ द सेम और सेम अदर वेबसाइट। तो
सेम वेबसाइट्स के एक दूसरे पेज को जोड़ने के काम करता है, या सम अदर वेबसाइट्स दूसरी वेबसाइट्स के किसी पेज को आपको दिखाने का काम करता है ये लिंक। जब ये लिंक बहुत तेजी से काम करता है इसलिए इसको हम हाइपर लिंक भी कहते हैं। सर्चिंग इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन सर्च कैसे किया जाता है वो मैंने बताया, आप सर्च इंजन की मदद से हम लोग कर सकते हैं। इंटरनेट इज बेसिकली अ वास्ट रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट पर लगभग हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। वी कैन सर्च एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट वेबसाइट्स, इमेज, न्यूज़, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, वीडियोस एटसेट्रा। हम हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ खोज सकते हैं, वेबसाइट्स खोज सकते हैं, इमेजेस खोज सकते हैं, न्यूज़ की फॉर्म में क्वेश्चंस क्वेरीज करके एंड आंसर्स की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर खोजते हैं। देर आर एक्सक्लूसिव वेबसाइट्स फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ खास वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद से हम ये काम करते हैं, जैसे google.com और google.co.in फ्रॉम द गूगल, bing.com फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड yahoo.com फ्रॉम याहू। इन वेबसाइट्स की मदद से या सर्च इंजन की मदद से हम ये काम कर रहे होते सॉरी, फॉलो दीज स्टेप्स टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन। लेट अस से वी वॉन्ट टू सर्च द इमेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चाहते हैं डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिले ऑन नेट, ओपन द सर्च इंजन। सबसे पहले सर्च इंजन खोलेंगे, गूगल या जो भी आप खोल रहे हैं, क्लिक ऑन द इमेज लैब, वहाँ के इमेज लैब पर। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनमें एक पॉइंट होता है इमेज का। टाइप द डिफॉरेस्टेशन एंड सर्च बटन, और जैसे ही हम टाइप डिफॉरेस्टेशन टाइप करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे तो हमें पिक्चर्स इसकी दिखने लगेंगी, यानी कि कई सारी पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी। ये इमेजेस दिखा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन किस तरीके से होता है, और ये इमेजेस जो हमें ज़रूरी हैं, जो हमें चाहिए, उन इमेजेस को हम, जैसे पहले बताया गया इमेज को कैसे डाउनलोड करना है, तो राइट क्लिक करके इमेज सेव करा लेते हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स में उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। लास्ट में आज की हम लोग बात करेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल मैंने पहले जो आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम ईमेल कहते हैं। एक मेल फिजिकल मेल जो हमारे घर पे आती है, हमारे एड्रेस पे आती है, ऐसे ही ईमेल हमारे फ़ोन के एड्रेस पे आती है, फ़ोन या हमारा जो सर्च इंजन है जिसकी मदद से हम वर्क कर रहे हैं उसके अकाउंट पर ये आती है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज़ फैसिलिटी ऑन इंटरनेट टू कंपोज, स्टोर, सेंड एंड रिसीव मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पर हम लोग मैसेज को बना सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी को, और किसी का मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, कहीं से भी वर्ल्ड में कहीं पर भी वो मैसेज हो, वो इंफॉर्मेशन हो, हम कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल। द कन्वीनियंस, simplicity and affordability of sending mails on internet has totally changed the corresponding systems. अब इनकी मदद से, ईमेल की मदद से ये बहुत आसान हो गया है, सिंपल हो गया है और अफोर्डेबल हो गया है कि हम कम खर्च में, या बिल्कुल ये कह लीजिए आपका जो नेट का कनेक्शन होता है उसी कनेक्शंस में आप चाहें तो हज़ारों मेल्स कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी आपको मिलती है। ईमेल इज अ फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स वेयर द पोर्टल एड्रेस डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, कंट्री एट्सेट्रा हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ईमेल एड्रेस। हम इतनी चीज़ें ना डालकर जिसमें नेम होता है, अगर आप फिजिकल मेल भेजते हैं तो क्या होता है, वहाँ नेम डालना होता है, एड्रेस डालना होता है, सिटी का नंबर डालना होता है, स्टेट डालना होता है, पिन कोड डालना होता है, कभी कभी अगर बाहर आपको भेजना है तो कंट्री भी डालनी होती है द रिप्लेस्ड। इन सब को आसान बना दिया है ईमेल एड्रेस ने। तो ईमेल एड्रेस अगर आपका पास है तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। द ईमेल एड्रेस इज़ गिवन इन द फॉर्मेट, ईमेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है या कैसा दिखाई पड़ता है वो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे लिखाया गया है। जैसे किसी ने
info@vidyaprakashan.com, ये एक ही मेल एड्रेस है। कैसे? यहाँ पर एट द रेट जो लगा हुआ है वो बताता है ये एक तरीके का मेल है। उसके पहले का पार्ट उस पर्सन के नेम जो, और बाद के पार्ट को डोमेन कहते हैं। तो वी कैन ऑल्सो अटैच फोटोज, यहाँ पर हम फोटोज दे सकते हैं, वीडियोज दे सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा अलॉन्ग विथ अर मैसेज, अपने मैसेज के साथ साथ और दूसरा डेटा भी जो कि वॉइस के फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, वो हम देख सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के अलावा भी। द पॉपुलर साइट विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू सेंड द रिसीव, सेंड और रिसीव द मेल्स आर, यहाँ पर याहू की साइट है जिस पर हम मेल भेजते हैं, बनाते हैं, जी मेल है, रेडिट मेल है, और इस तरीके से बहुत सारी साइट्स हैं लाइक नेट सर्वर फॉर इंटरनेट, ईमेल सर्वर इज यूज फॉर कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ ईमेल, डिफरेंट ईमेल आर राउटेड टू डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स बाय हेल्प ऑफ इट, अलग अलग ईमेल अलग अलग अकाउंट्स में, जो मान लिया आपने तीन जगह पर अकाउंट बनाया, जीमेल का भी अकाउंट बनाया है, याहू का भी अकाउंट बनाया है और रेडिट का भी अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये तीनों अकाउंट्स में अलग एड्रेस कहलाएगा। इस एड्रेस पर जो मेल आएगी वो इस एड्रेस के अकॉर्डिंग आएगी, जीमेल के एड्रेस की जो मेल होंगी वो यहाँ पर आएंगी और रेडिट मेल की एड्रेस यहाँ पर आएंगी। ये ऐसे ही है जैसे आपके तीन घर हों और तीनों घरों के एड्रेस पर मेल आए। तो बहुत आसान तरीका जो आपके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप इसको एक बार दोबारा से रीड करिए और सुनिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ईमेल क्या होता है, उसके बारे में कैसे लिखा जाता है या कैसे बनाया जाता है, कितने पार्ट होते हैं इसके वो, और उसके पहले वेब पेज लिंक कैसे कहते हैं, सर्च इंजन क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है, इनके बारे में एक एक लाइन आपको एटलीस्ट एक लाइन में आप मेंशन कर दे तो अच्छा है, वरना दो लाइन की ज़रूरत पड़े तो दो लाइन। ओके, हैव अ नाइस डे।